हेलो फ्रेंड, मी सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नई डिश सिखाने जा रही हूँ। वो क्या है देखिए, आज मैं आपको बड़ी की चटनी बनाना दिखाऊंगी। बड़ी की सब्जी तो बहुत कोई खाए हैं, इस चटनी को बना के भी खाएं। ये बहुत जल्द और टेस्टी चटनी तैयार हो जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। मैंने चूल्हा पे कढ़ाई रख दी है, तेल को गर्म होने रख दिया है। बड़ी का चटनी बनाने के लिए आप कोई भी बड़ी ले सकते हैं जो आपके पास है, उड़द का हो या मसूर का हो, चना का हो, कोई भी बड़ी हो उसका आप बना सकते हैं। टेस्ट में कोई, स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, सबका बड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तेल गर्म हो चुका है, मैं भी इसे इसमें भून लेती हूँ बड़ी को। इसको अच्छा से लाल करना है। देखिए बड़ी पूरा भून के लाल हो चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा करके, बर्तन में निकाल के थोड़ा ठंडा करके और दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यदि मेरी बड़ी की बनाई हुई चटनी का डिश आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरा अगला कोई भी वीडियो देखने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, वहाँ से जाके आप मेरा और भी कोई वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं। अभी थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है। अब ये बड़ी ठंडा हो चुका है, इसे मिक्सर जार में रख लूँगी। इसके साथ एक हरी मिर्ची भी डालूँगी, ये तीन चार कलियाँ लहसुन का इसके साथ डालूँगी और इसे क्रश कर दूँगी। देखिए बड़ी क्रश होने के बाद इस प्रकार का हो जाएगा। अब इसमें एक हरा मिर्ची इसके साथ क्रश की हूँ, एक ऊपर से काट के रख डाल दूँगी। आप अपने अनुसार से तीखा डालें। थोड़ा बचा लूँगी। एक छोटा प्याज है कटा हुआ, ये आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी हो, कम समय में बन जाएगा। थोड़ा नमक, थोड़ा तेल, तेल तो पहले से भूनने में डाली हूँ, और इसे मिक्स कर लीजिए। बनने के बाद कुछ इस प्रकार का लगेगा। आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बड़ी का चटनी बनके तैयार है, इसे आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।